कानून को जेब में रखने वाले, जेल से चुनाव जीतने वाले और जेल से ही खौफ फैलाने वाले अपराध की दुनिया के बादशाहों को अब योगी सरकार के कानूनी हंटर का खौफ सताने लगा है। अपराध के आंखों पर योगी का पंजा, विकास के विनाश के बाद अब मुख्तार की बारी। मुख्तार के दर्जनों गुर्गों पर कसा शिकंजा, प्रकाश मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश में कोहरा मचाने वाला विकास दुबे की चिता की आग ठंडी भी नहीं हो पाई तब तक योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट अपराधी मुख्तार अंसारी तथा उसके गुर्गों पर शिकंजा कस दिया है। मुख्तार अंसारी के 20 से 25 गुर्गों पर गैंगस्टर लगा दिया है तथा 7 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 50 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। इसीलिए खबर एक्सपर्ट कह रहा है, मुख्तार अंसारी अब की तेरी बारी। उत्तर प्रदेश पुलिस इन दिनों गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही है। विकास दुबे के बाद अब यूपी प्रशासन के निशाने पर है मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में हैं। इधर प्रशासन ने मुख्तार की लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसते हुए यूपी प्रशासन ने वाराणसी के हिस्ट्री सीटर श्री प्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित के घर कुर्की की कार्रवाई की है। झुन्ना पंडित फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है। पंजाब में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। शनिवार दोपहर को एसएसपी मोहम्मद मुश्ताक भारी पुलिस बल के साथ कुर्की की कार्रवाई करने उसके घर पहुंचे थे। श्री प्रकाश मिश्रा पूर्वांचल में कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। इससे पहले गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगियों और रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। जिलाधिकारी ने कोतवाल थाना प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं तथा पुलिस के नियमानुसार शस्त्र थाने के माल खाने में जमा करा लिए हैं। मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी इस समय गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी देखी होगी, इसी तरह का आपराधिक इतिहास मुख्तार अंसारी का रहा है। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी का जब काफिला निकलता था तो उसकी काफिले में करीब 19 से 20 एसयूवी गाड़ियां होती थी और उन सभी गाड़ियों के नंबर 786 पर अंत में ख़त्म होते थे। और वहीं बताया जाता है कि किसी की मजाल नहीं थी कि इसके जो काफिला है उसको 2 मिनट के लिए भी किसी हाईवे पर किसी रोड पर रोक दे। तो वहीं पैदल जब निकलता था तो बताते हैं लोग कि उसको अलग से दिखाई देता था क्योंकि उसकी लंबाई अधिक थी, सभी लोगों में अलग से हटकर दिखाई देता था। बताते हैं कि आपराधिक इतिहास में चाहे रंगदारी का मामला रहा हो, चाहे हत्या के मामले रहे हों, या फिर ठेकेदारी में शराब का ठेका हो, कोयले खदान का ठेका हो, रेलवे का ठेका हो, सब में गैंगों की लड़ाई में इसका नाम आया और ये लगातार उसी तरह से बाहुबली बनता चला गया। 1995 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुआ और उसके बाद 2 बार विधायक निर्दलीय भी हुआ है। हालांकि 1995 से लगातार 4 बार विधायक हुआ है और उसके बाद इसने इसके जो मामला एक जो मामला आया वो जेल में अंदर हत्या कराने का, जेल से अंदर रहकर ही एक हत्या कराने का मामला सामने आया। हालांकि बताया जाता है कि उस मामले में ये पुलिस भी डर गई थी, एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और यहां तक कि सीबीआई ने भी उस मामले को जाँच करने से मना कर दिया था और उस मामले को छोड़ दिया था। फिलहाल अब जो विकास दुबे के बाद ये एनकाउंटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो योगी सरकार ने फैसला लिया है उससे बहुत कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब विकास दुबे के बाद आपराधिक जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है अब मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा चला जाएगा। पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अफजाल की अच्छी पकड़ है। 2014 में लोकसभा चुनाव में अफजाल ने मनोज सिन्हा को हराया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर
कानूनी पंजा मारकर उसके 20 से 25 गुर्गों पर गैंगस्टर लगा दिया है, तो वहीं 3 रिश्तेदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और उसके 7 गुर्गों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वहीं उसके शार्प शूटर ब्रजेश कुमार एवं प्रकाश मिश्रा पर भी कानूनी शिकंजा कस दिया है।